भिम्बर आजाद कश्मीर की बात करते हैं, जहां कोट अली बहादुर से लेकर करोटाला तक की रोड का तरक्याती काम कई अरसे बाद भी मुकम्मल न हो सका है। रोड पर पड़े नोकीले और तेज धार पत्थर हादसात का सबब बनने लगे हैं। एहतजाज करते शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि ठेकेदार रोड का तामीराती काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। अगर रोड का काम जल्द मुकम्मल ना किया गया तो कौमी शाहरा को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़वन जाहिद हुसैन राजा से। जाहिद हुसैन, क्या मामला है यहाँ पर, इंतजामिया का इस पर मौकिफ क्या है? इस वक्त आप मौजूद हैं कोट जामल ता वटाला रोड में। कोट जामल वटाला रोड की बात कीजिए तो कुछ दिन कबल भी यहाँ जो सोशल मीडिया मुख्तलिफ पेज पे जो है इसके जो खबरें गर्दिश करती रही हैं, तो अगर इस रोड की बात की तो ये रोड डिफेंस रोड है, डिफेंस रोड है। इसके अलावा जो आगे काफ़ी आबादी है, काफ़ी लोगों की जो आमदो रफ्त है, कोट जामल बरनाला गुजरात, इसी रोड से लोग गुजर के जाते हैं। तो ये गुज़श्ता 2 माह से जो रोड की सूरत हाल है वो बिल्कुल ही नाकस है। यहाँ जब रोड का काम शुरू हुआ था तो स्वाद जो दोनों तरफ जो सेफ्टी दीवारें थी उसमें भी जो नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा था, जिसपे यहाँ के जो मकामी लोग, यहाँ के जो बड़े मिंबरान हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ इस्तेजाज किया था। तो आज भी अगर देखा जाए तो रोड की हालत इतनी नाकस है कि यहाँ नुकीला तेज धार पत्थर है जिससे जो टायर ब्लास्ट हो रहे हैं गाड़ियों के। इसी हवाले से यहाँ जो मकामी शहरी और मकामी लोगों से बात करते हैं कि इस रोड के हवाले से उनका क्या कहना है और ठेकेदार और जो हुकूमत आजाद कश्मीर को वो क्या पैगाम। जाहिद हुसैन राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सखर में सालेपट के मकीन शब्बानी बरादरी के अफराद ने जमीन पर मुबैना कब्जे और तशद्दुद करने वाले बासर अफराद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के